बच्चन परिवार में कुछ तो प्रॉब्लम है, इस तरह की चर्चा एक बार फिर उठ चुकी है। इसके पीछे रीजन ये है कि बच्चन परिवार एक तरफ और ऐश्वर्या राय एक तरफ। जो ऐश्वर्या राय एयरपोर्ट हो, कोई भी बॉलीवुड पार्टी हो, उन पार्टीज में कभी भी अभिषेक के बिना नहीं जाती थी और अभिषेक के साथ ही जाती थी, वो ऐश्वर्या राय अब ज्यादा करके अकेले ही पार्टीज अटेंड करती नजर आ रही है। ये शुरुआत हुई ऐश्वर्या के पेरिस ट्रिप से, जहां पर ऐश्वर्या के साथ अभिषेक नहीं थे। ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या पेरिस ट्रिप पर गई और पेरिस ट्रिप पर बच्चन फैमिली के बाकी मेंबर्स भी थे, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्या की एक भी तस्वीर नहीं डाली। जया बच्चन, श्वेता बच्चन, नाव्या तीनों पेरिस ट्रिप पर थे, लेकिन ऐश्वर्या का कहीं भी उनकी स्टोरीज या उनके पिक्चर्स में जिक्र नहीं हुआ। इसके बाद ऐश्वर्या की 50th बर्थडे आई, जहां पर ऐश्वर्या अकेली आराध्या के साथ नजर आई। इस अहम मौके पर भी अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या के साथ मौजूद नहीं थे और फॉर्मेलिटी के तौर पर अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या की एक क्लोजअप फोटो लेट नाइट डाल दी, सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखकर, वाइफ, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, आगे कुछ भी नहीं लिखा। तब भी लोगों ने कहा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऐश्वर्या को ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है बच्चन परिवार। अब इसी बीच ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्तों पर एक बार फिर से सवाल तब खड़ा हो गया जब ऐश्वर्या राय को मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी पर सिंगल देखा गया। ऐश्वर्या ने शादी के बाद आज तक कोई भी पार्टी जो है वो सिंगल अटेंड नहीं की है, हमेशा वो अभिषेक बच्चन के साथ ही आई है या फिर वो पार्टीज में आई ही नहीं है। वो ऐश्वर्या राय मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी पर सिंगल थी, अकेली थी, अभिषेक बच्चन उनके साथ नजर नहीं आए। और तो और बच्चन परिवार से नाव्या नवेली, जो ऐश्वर्या की ननद श्वेता की बेटी है, वो भी इस पार्टी में मौजूद थी, लेकिन वो भी अलग आई, उसने भी अकेले अलग पोज किया, ऐश्वर्या के साथ नहीं नजर आई। कल की इस पार्टी में ऐश्वर्या राय को एक बार फिर से अकेले देखने के बाद अब लोगों को श्योरिटी हो गई है कि बच्चन परिवार और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। यही कारण है कि बच्चन परिवार वो एक साइड है और ऐश्वर्या हर जगह या तो अकेली नजर आ रही है या फिर अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आ रही है। सबसे बड़ा झटका तो लोगों को इस बात का लगा है कि माना ऐश्वर्या की जया से नहीं बनती होगी या ननद श्वेता से नहीं बनती होगी, लेकिन अब क्या ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि अभिषेक भी ऐश्वर्या के साथ पार्टीज में नहीं जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें अब लोगों को बहुत काट रही है, क्योंकि जब से ऐश्वर्या ने शादी की है तब से ऐश्वर्या और अभिषेक को एक पावर कपल के रूप में देखा गया है और अभिषेक ने हमेशा उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, हमेशा उनके साथ रहे हैं, लेकिन अब अचानक अभिषेक का ऐश्वर्या से यूं दूरी बनाना लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है और लोग बातें कर रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है बच्चन परिवार में या क्या ऐश्वर्या और अभिषेक में सब कुछ ठीक है।